अस्सलाम वालेकुम uh, जी हमारा आज का जो टॉपिक है वो है हॉकी ग्राउंड आज हमने हॉकी ग्राउंड को जो है वो डिस्कस करना है हॉकी का खाका तो आज हमने हॉकी का जो खाका है वो आ, बनाना है तो इसको मैं आपको आज समझाऊंगी कि कैसे जो है वो हम हॉकी का ग्राउंड जो है विद मेजरमेंट्स यानी पैमाइशों के साथ ड्रा कर सकते हैं तो हॉकी का जो ग्राउंड होता है वो मुस्तील शक्ल का होता है जिसकी दो लंबाइयाँ और दो गलाइयाँ होती हैं यानी हॉकी का ग्राउंड दो लंबाइयों और गलाइयों पर मुश्तमिल होता है और मुस्तील शक्ल का होता है ये हमारे पास हॉकी का एक ग्राउंड है तो यह इसकी है। ये इसकी दो लंबाइयाँ हैं ये इसकी दो चढ़ाइयाँ हैं मुस्तिल शक्ल का आपको नजर आ रहा है तो जैसे हम ग्राउंड में ड्रा करते हैं हॉकी का खाका तो विद मेजरमेंट जो है हमें मेजरमेंट टेप का जो है वो इस्तेमाल करना पड़ता है और पमाइशें जो हैं वो ग्राउंड के हिसाब से दी गई हैं जैसे इसकी लंबाई जो है वो इक्यानवे अशारिया चार जीरो मीटर है तो लेकिन इधर जो है हमने इसको जो है वो एक फ़र्जी लाइनें लगा के लेकिन लंबाई उतनी ही लिखनी है यानी इकानवे शारिया चार ज़ीरो मीटर है तो ये इधर से लेके इधर तक इसकी लाइन जो है वो इकानवे शारिया चार जीरो मीटर नहीं है ये हमने फर्जी लगाई है क्योंकि जब हम पेज पे या वाइट बोर्ड पे बनाते हैं तो हमारे पास जो है वो इतनी जगह नहीं होती कि हम जो है उस मेजरमेंट के हिसाब से ड्रा करें तो ये वाली पेमाइशें जो हैं वो ग्राउंड के हिसाब से ड्रा की गई हैं अगर हम इधर ड्रा करते हैं पेज पे तो हम जो है मेजरमेंट्स तो बुक्स वाली लिखेंगे लेकिन ये वाली लाइनें जो हैं वो हम फर्जी अपनी तौर लिख लेंगे ठीक है तो हॉकी का ग्राउंड के लिए सबसे पहले हम जो है वो इक्नवे अशारिया चार जीरो मीटर की एक लंबी लाइन लगाएंगे इधर से लेके इधर तक इसको हम बोलते हैं साइड लाइन इसी तरह चौड़ाई वाली एक लाइन लगाएंगे इधर से लेके इस पॉइंट तक 55 मीटर यानी 55 मीटर की हम मेजरमेंट टेप से जो है वो ड्रा करेंगे इस पॉइंट पे इस पॉइंट तक तो ये हमारे पास 55 मीटर की एक लाइन आ गई जिसको हम बोलेंगे बैक लाइन तो इधर मैंने गोल पोस्ट बनाना था इसलिए मैंने इधर वाली जगह पे ये बैक लाइन लिख दी है पचपन मीटर यानी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये बैक लाइन होती है ठीक है इधर वाली भी इसकी भी चौड़ाई पचपन मीटर होगी और इसकी चौड़ाई भी पचपन मीटर होगी इसी तरह लंबाई जो है वो इकानवे अशारिया चार जीरो मीटर इधर से लेके इस पॉइंट तक और इधर से लेके इस पॉइंट तक इकानवे अशारिया चार जीरो मीटर जो है वो लंबी लाइन होगी तो इस तरह लंबाई वाली लाइनों को साइड लाइन और चौड़ाई वाली लाइनों को बैक लाइन जो है वो कहा जाता है तो ये हमारा एक मुस्ताल का हॉकी का ग्राउंड बन गया है इसके बाद ये वाला जो ये हमारी साइड लाइन है ये और ये तो साइड लाइन जो है इसके बाहर यानी चार मीटर इस पॉइंट से लेके जितनी जगह बनती है चार मीटर जो है वो हम इधर खाली जगह छोड़ेंगे और चार मीटर ही इधर खाली जगह छोड़ेंगे और जो बैक लाइन है इधर से हम पाँच मीटर पाँच मीटर की जगह इधर ख़ाली छोड़ेंगे और पाँच मीटर की जगह इधर खाली छोड़ेंगे इस जगह को क्यों खाली छोड़ा जाता है इसलिए छोड़ा जाता है चारों तरफ ताकि अगर खिलाड़ी गिर वगैरह जाए ताकि उसको कोई चोट वगैरह ना लगे इसलिए खाली जो है वो जगह छोड़ी जाती है इसको रन ऑफ एरिया कहते हैं इस जगह को साइड लाइन की तरफ से चार मीटर और बैक लाइन दोनों तरफ से पाँच पाँच मीटर की जगह जो है वो खाली छोड़ी जाती है इसके बाद हॉकी के जो चारों कॉर्नर्स हैं वन टू थ्री फोर चारों कोर्नर्स जो हैं उन पे जो है वो फ्लैग लगाए जाते हैं जंडियाँ लगाई जाती हैं तो झंडियाँ जो होती हैं चारों कोनों में तीस मरबा सेंटीमीटर की एक एक जंडी लगाई जाएगी और ये झंडियाँ जो होती हैं यानी तीस मरबा सेंटीमीटर की होती हैं और इसके अलावा ये स्प्रिंग की तरह की होती हैं ताकि अगर खिलाड़ी इनसे भी टकरा जाए तो भी चोट ना लगे तो ये भी फ्लेक्सीबल सी होती हैं और डंडों ये जो डंडे होते हैं डंडियों की इनकी लंबाई एक अशारिया दो ज़ीरो मीटर यानी इधर से लेके इधर तक इनकी जो लंबाई है वो एक अशारिया दो ज़ीरो मीटर और ज़्यादा से ज़्यादा एक अशारिया पाँच जीरो मीटर यानी कम से कम एक अशारिया दो ज़ीरो और ज़्यादा से ज़्यादा एक अशारिया पाँच जीरो मीटर रखेंगे इनके दरमियान जो है वो इन डंडों की जो है वो लम्बाई होती है चारों डंडों की वन टू थ्री और फोर नेक्स्ट जो हमारा ये हॉकी का ग्राउंड है इसको हम सेंटर लाइन से दो हिस्सों में तकसीम करते हैं एक ये वाली जो टीम होती है दो टीमें होती है ना एक ये वाली टीम का हिस्सा होती है और दो दूसरा ये वाली टीम का हिस्सा होती है तो इसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं सेंटर लाइन से सी एल ये मैंने शॉर्ट वर्डिंग में लिखा है सी से, से सेंटर और एल से लाइन कितनी हमारे पास टोटल लेंथ थी इक्नवे अशारिया चार जीरो मीटर अकानवे अशारिया चार जीरो मीटर की अगर हम हाफ हाफ करें तो हमारे पास आती है फोर्टी फाइव पॉइंट जीरो सेवन मीटर फोर्टी फाइव पॉइंट ज़ीरो सेवन मीटर अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास आती है नाइन्टी वन पॉइंट फोर जीरो मीटर ठीक है तो हमारे पास फोर्टी फाइव जीरो पॉइंट जीरो सेवन मीटर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये है. ये है बैक लाइन बैक लाइन जो है इसके सेंटर वस्त में यानी गोल पोस्ट जो है वो लगाए जाते हैं गोल पोस्ट ये गोल पोस्ट है तो गोल पोस्ट की जो जिधर गोल पोस्ट लगे होते हैं इनका दरमिया फासला जो होता है वो थ्री पॉइंट सिक्स सिक्स मीटर होता है यानी तीन अशारिया छः छः मीटर इनका दरमिया फासला होता है और दो अशारिया एक चार मीटर की बुलंदी पर क्रॉस बार जो है वो लगाई जाती है और क्रॉस बार जो होती है वो सफ़ेद रंग का ए, ए, उसका रंग जो होता है वो सफ़ेद होता है ठीक है ये हमारी टोटल लाइन जो है वो बैक लाइन है लेकिन जिधर हमारे गोल पोस्ट लगे हैं ये वाले इधर इतनी लाइन को हम गोल लाइन का नाम भी देते हैं ठीक है तो गोल लाइन जो है इसके वस्त ये गोल लाइन का सेंटर पॉइंट है इधर से सिक्स पॉइंट फोर जीरो मीटर के फासले पर एक निशान लगाया जाता है यानी इधर से मेजरमेंट टेप निकाल के अगर हम इधर छः शरीर चार चार जीरो मीटर के फासले पर एक निशान लगाते हैं जिसको हम कहते हैं पेनल्टी मार्क पी से पेनल्टी और एम से मार्क जो है इसको नाम दिया जाता है नेक्स्ट है शूटिंग सर्कल अब हमने शूटिंग सर्कल करना है शूटिंग सर्कल जो होता है वो गोल लाइन के मतवाजी ये गोल लाइन है इसके मतवाजी चौदह अशारिया छः तीन मीटर के फासले पर तीन अशारिया छियासठ मीटर लंबी लाइन लगाई जाएगी और गोल पोस्ट के दाएं और बाएं पोल को बारी बारी यानी ये वाला पोल एक है इसको जो है वो मरकज मानकर फोर्टीन पॉइंट सिक्स थ्री मीटर के फासले पर जो है वो एक लाइन लगाई जाएगी और इधर से इसको मरकज़ मानकर ये लाइन लगाई जाएगी ठीक है और फिर इन लाइन को जो है वो हम आपस में मिला देंगे तो ये हमारा जो है वो शूटिंग सर्कल बन गया है इससे शूटिंग और सी से सर्कल जो है वो बना दिया अब शूटिंग सर्कल इधर कंप्लीट हो जाता है इधर से हमने पाँच मीटर के फासले पर इधर से इधर पाँच मीटर के फ़ासले पर जो है वो एक लाइन लगानी है जिसको हम कहते हैं कटी फटी लाइने या ब्रेक लाइने भी कहते हैं इसको या डॉटी लाइने भी कहते हैं तो तो ये हमारा जो है वो कटी पट्टी लाइन है इस तरह ये हमारा टोटल हॉकी का जो स्केच है वो तैयार है एक दफ़ा मैं दोबारा रिपीट कर दूँ हॉकी का ग्राउंड जो है वो दो लंबाइयों और दो गलाइयों पर मुश्तमिल होता है लंबाई वाली लाइन साइड लाइन और उसकी लेंथ नाइन्टी वन पॉइंट फोर जीरो मीटर और चौड़ाई वाली लाइन को बैक लाइन कहते हैं और उसकी लेंथ फिफ्टी फाइव मीटर होती है उसको बैक लाइन कहते हैं सेंटर से दो हिस्सों में तकसीम करेंगे कोर्ट को ट्वेंटी टू पॉइंट एट जीरो मीटर ट्वेंटी टू एट पॉइंट जीरो मीटर और ट्वेंटी टू पॉइंट नाइन जीरो मीटर इस तरह टोटल जो है इसको सेंटर लाइन से तकसीम करेंगे ये सी एल सेंटर लाइन है कोर्ट की जिधर गोल पोस्ट लगे हैं उसी से को गोल लाइन कहते हैं और ये जो है गोल पोस्ट तीन अशारिया छः छः मीटर के फासले पर लगे होते हैं टू पॉइंट वन फोर क्रॉस बॉर्ड की जो है वो लंबाई होती है सिक्स पॉइंट गोल लाइन के वस्त से जो है वो छः अशारिया चार जीरो मीटर के फासले पर एक निशान लगाया जाता है जिसको पेनल्टी मार्क कहते हैं और गोल पोस्ट जो है वो तीन अशारिया छः छः मिटौदा अशारिया छः तीन मीटर के फासले पर तीन छः 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 मीटर लंबी लाइन लगाई जाती है इधर से भी इधर से भी इन दोनों लाइनों को आपस में मिला दिया जाता है और इन इस जिसको इस, हम ए, शूटिंग सर्कल बोलते हैं शूटिंग सर्कल से पाँच मीटर के फासले पर जो है वो ब्रेक लाइन लगाई जाती है ब्रेक लाइन यानी जो है उनका आपस में फ़ासला तीन मीटर का होता है ये हमारा टोटल हॉकी का ग्राउंड जो है वो तैयार है अब हम हॉकी की जो खिलाड़ियों की पोजीशन है वो डिस्कस कर लेते हैं कि खिलाड़ी जो है वो ग्राउंड में किधर किधर खड़े होते हैं तो हॉकी किधर किधर खड़े खड़े होते हैं ये वाली मैं एक मिनट दिखाती हूँ आपको ये देखें ये हमारा इस कोर्ट का एक टीम का हिस्सा था और ये कोर्ट जो है वो दूसरी टीम का हिस्सा है इधर मैं आपको दिखा रही हूँ बना के क्योंकि इधर जगह ज़्यादा खाली है तो हमारे पास हॉकी के जो हैं वो सोलह खिलाड़ी होते हैं टोटल जो हैं वो सिक्सटीन प्लेयर्स होते हैं जिनमें अलेवन प्लेयर्स जो हैं वो खेल खेलते हैं और पांच जो होते हैं वो मुतबादल होते हैं तो ग्यारह खिलाड़ी जो हैं वो किस किस जगह पे खड़े होते हैं ये मैंने शॉर्ट वर्डिंग में लिखा है क्योंकि जगह नहीं थी इतनी तो इसको समझ लें ये है लेफ़्ट एल से लेफ्ट, ओ से आउट और एफ़ से फॉरवर्ड, यानी लेफ्ट आउट फॉरवर्ड खिलाड़ी इधर खड़ा होगा इसी तरह लेफ़्ट इन आई से इन और एफ फॉरवर्ड खिलाड़ी इस पोजीशन पर वन टू और सी एफ सी से, से सेंटर और एफ से फॉरवर्ड, सेंटर फॉरवर्ड खिलाड़ी इस साइड पे ये आर आर मतलब राइट राइट इन फार्ड राइट आउट फारवर्ड सेम वही वर्डिंग है यानी इधर लेफ्ट वाले तो लेफ्ट आउट फारवर्ड लेफ्ट इन फारवर्ड इधर राइट वाले खड़े हैं तो राइट आउट फारवर्ड और राइट इन फारवर्ड आगे है लेफ्ट हाफ एक इधर होगा लेफ्ट हाफ में दूसरा राइट right हाफ में और तीसरा सेंटर हाफ में इस तरह चौथा ये वाला जो है ये इधर खड़ा होगा लेफ्ट लेफ्ट फुल बैक और ये राइट फुल बैक और इधर जी के यानी गोल कीपर खड़ा होगा इस तरह हमारे जो है वो अलेवन खिलाड़ी जो हैं वो पूरे हो जाते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन और अलेवन ये हमारे टोटल खिलाड़ी हैं ये उनकी पोजिशन होगी ये एक टीम के इधर खड़े होंगे इसी तरह दूसरी टीम के भी इसी वाली इनको इन्हीं इन्हीं जगहों पे जो खड़े होंगे इधर होगा एक इधर होगा एक इधर इसी तरह जिस तरह ये खड़े हैं इसी तरह दूसरे भी इस तरह खड़े होंगे